हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो है सफलता की राह में आपका साथी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन देखा था हमारे SVA 50 प्लस सीरीज पे, जो कि थी MCQ ऑन स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के ऊपर। आज हम पार्ट टू वीडियो देखेंगे SVA 50 प्लस सीरीज का। इसमें भी हम क्वेश्चन स्पीड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ऊपर MCQ सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग की SI इकाई क्या है, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मील प्रति घंटा या फिर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे जैसे हमेशा कहता हूँ, आप हमें वीडियो पॉज करके अपना आंसर बताएं और फिर जब आंसर बता दें उसके बाद हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाएं कि सही है या नहीं, और वीडियो के अंत में आपके टोटल कितने जवाब सही हुए, कितने जवाब गलत हुए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस, ये आप हमें बताएंगे। इस प्रकार अपने प्रिपरेशन का बेटर इवेल्युएशन आप कर सकेंगे। NCL HEMM के एग्जाम में मात्र 2 दिन शेष हैं। मुझे इस SVA 50 प्लस सीरीज के बाद आपके लिए GK GS पे भी वीडियो लाना है, तो मैं इस वीडियो को बहुत तेजी से फिनिश करूंगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा चीजों को लेके, आपको क्वेश्चन बताऊंगा और मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके उसका हमें सही उत्तर बताएं और हमारे बताए गए उत्तर के साथ मैच करें। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, उन्हें भी इसी तरह मैं आपको बताऊंगा और आशा करूंगा कि आप उसका सही उत्तर अपने प्रैक्टिस से दे पाएंगे। अब हमारे पास तैयारी के लिए वक्त नहीं बचा है, अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके लिए डायरेक्ट GK और GS के ऊपर क्वेश्चंस लाने वाला था, वीडियो लाने वाला था, मगर हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा, सर स्पीड एक्सीलरेशन वेलोसिटी इन टॉपिक को लेकर प्लीज कुछ क्वेश्चन ला दीजिए जो कि हमें यूट्यूब और इंटरनेट पे नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इससे हमें आइडिया हो सकेगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए ये SVA 50 प्लस सीरीज लाया हूँ। इन क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इजी लगते हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम का लेवल 10th बेस का है, क्वेश्चंस आपको इजी लग सकते हैं, जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आपको आइडिया रफली मिल जाएगा और ये आपके एग्जाम के लिए आपको एक मेंटली प्रिपेयर करा देगा कि आपका क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो इस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 से 5 नंबर तक इन क्वेश्चंस से इजीली पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस अपने क्वेश्चंस देखते हैं। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, वेग की SI इकाई क्या है, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकेंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेग को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, वेग यानी समय की प्रति इकाई तय की गई दूरी, या दूरी की प्रति इकाई लगने वाला समय, या किसी वस्तु का विस्थापन, या किसी वस्तु का त्वरण। बताइए फ्रेंड्स, वेग को वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम टेकन पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी वस्तु का विस्थापन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, गति, समय, दूरी या फिर वेग। देखते हैं फ्रेंड्स इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेग या फिर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 50 मीटर नॉर्थ इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, यदि कोई वस्तु 10 सेकेंड में 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है तो उसका वेग क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करें, अपना आंसर निकालें, हमारे इन दिए हुए ऑप्शन से मिलाएं, बताएं आपका उत्तर क्या आया है और फिर आप हमारे आंसर से मैच करें, देखें आपका उत्तर सही आ रहा है या नहीं। क्या इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड होगा, या 2 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की तरफ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 4 आवर्स एंड देन 100 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। एक कार का औसत वेग क्या है जो 4 घंटे में 200 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर 2 घंटे में 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करती है, क्या उसका औसत वेग होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर, 26 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण में। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following is an example of changing velocity? निम्नलिखित में से कौन सा वेग बदलने का उदाहरण है? एक कार सीधी सड़क पर स्थिर गति से चल रही है, क्या ये उदाहरण है वेग बदलने का? A car moving at constant speed on a straight road, या फिर एक कार राजमार्ग पर गति बढ़ा रही है? A car accelerating on highway, पार्किंग में एक खड़ी कार, car parked in a parking lot, एक कार वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चल रही है। A car moving at a constant speed in a circular track, बताइए फ्रेंड्स वेग बदलने का उदाहरण क्या है इनमें से, कौन सा ऑप्शन है इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक कार राजमार्ग पर गति बढ़ा रही है, ए कार एक्सिलरेटिंग ऑन अ हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज, स्थिर वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है, क्या है? एक क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, एक विकर्ण रेखा है, डायगोनल लाइन है, एक कर्व्ड लाइन या एक घुमावदार रेखा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थिर वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है, एक क्षैतिज रेखा, अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब यह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो इसका वेग क्या होता है? 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड या -20 मीटर प्रति सेकंड? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग होगा जब वह अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, जब उसे 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न्ड एट द इनिशियल पॉइंट, देन कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से तेज हुई और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आई, तो उस केस में क्या होगा? उस स्थिति में गति शून्य रहेगा लेकिन वेग बढ़ जाएगा, वेग शून्य है लेकिन गति बढ़ जाएगी, गति और वेग दोनों कम हो जाएंगे या गति और वेग दोनों बढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेग शून्य रहेगा लेकिन गति बढ़ जाएगी, वेलोसिटी इज जीरो बट स्पीड इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, हाउ फार डज इट ट्रैवल। यदि कोई वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से 5 सेकंड तक चलती है तो वह कितनी दूरी तय करती है, 6 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर या 5 मीटर? फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके कोशिश करें इसका आंसर सही बताने की और फिर वीडियो को स्टार्ट करके मैच करें कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और वीडियो के लास्ट में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें आपके कितने जवाब सही या कितने जवाब गलत हुए, इस प्रकार से आप अपना इवैल्यूएशन भली प्रकार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 150 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट ट्रेवल्स 100 माइल्स ईस्ट इन 2 आवर्स। यदि कोई वस्तु 2 घंटे में 100 मील पूर्व की ओर यात्रा करती है तो उसका वेग क्या होगा? क्या उसका वेग होगा 50 मील प्रति घंटे पूर्व की ओर, क्या उसका वेग होगा 200 मील प्रति घंटे पूर्व, क्या उसका वेग होगा 100 मील प्रति घंटे या 2 मील प्रति घंटे पूर्व? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताएं, कोशिश करें बताने का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 मील प्रति घंटे पूर्व, 50 माइल्स पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ बोट इज मूविंग अप स्ट्रीम इन अ रिवर, इट्स स्पीड रिलेटिव टू द वॉटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द बोट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द शोर। एक नाव नदी में धारा के प्रतिकूल चल रही है, पानी के सापेक्ष इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, किनारे के सापेक्ष नाव की गति क्या है? क्या उसकी गति धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल है, धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो बताएं फ्रेंड्स सापेक्ष नाव की गति क्या है, What is the boat's velocity with respect to the shore? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल या फिर धारा के विपरीत या प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट
डिफरेंट वेलोसिटीज ड्यूरिंग इट्स जर्नी। जब कोई वस्तु अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न वेगों से चलती है तो औसत वेग की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल टाइम बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, औसत वेग बराबर कुल समय बटे कुल विस्थापन, या एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू टोटल टाइम, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन गुने कुल समय, या फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस टोटल टाइम, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन माइनस कुल समय। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ दीज कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो इनमें से कौन सा शून्य हो सकता है? क्या शून्य हो सकता है? स्पीड या गति, डिस्टेंस या दूरी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, या नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड इट्स वेलोसिटी, क्या होगा वेलोसिटी के साथ? जब कोई वस्तु स्थिर गति बनाए रखते हुए अपनी दिशा बदलती है तो उसका वेग क्या होता है? वही रहता है, रिमेन्स द सेम, बढ़ जाता है, इंक्रीज, घट जाता है, डिक्रीजेस, शून्य हो जाता है, बिकम्स जीरो। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है वही रहता है, रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट एंड देन चेंजेस टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, व्हाट इज इट्स चेंज इन वेलोसिटी। यदि कोई वस्तु पश्चिम की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और फिर 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर बदल जाती है तो उसका वेग में क्या परिवर्तन होगा? क्या 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर परिवर्तन होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर, 20 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम की ओर, या 40 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम की ओर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर, 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक वेग का उदाहरण है? एक कार उत्तर की ओर बढ़ रही है, ए कार मूविंग नॉर्थ, 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला विमान, ए प्लेन फ्लाइंग एट 500 माइल्स पर आवर स्पीड, एक कार दक्षिण की ओर जा रही है, अ कार मूविंग साउथ, एक साइकिल चालक स्थिर गति से सवारी कर रहा है, अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक कार दक्षिण की ओर जा रही है, अ कार मूविंग साउथ, ऋणात्मक वेग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है उसका वेग होता है क्या? होता है शून्य, होता है जीरो, होता है सकारात्मक पॉजिटिव, होता है नकारात्मक निगेटिव, होता है अनिश्चित इनडिटर्मिनेट होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्य होता है, जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? त्वरण या एक्सेलरेशन, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, गति या स्पीड, या वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्वरण या एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 300 मीटर्स ईस्ट इन 20 सेकंड्स एंड देन 100 मीटर्स वेस्ट इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई वस्तु 20 सेकंड में 300 मीटर पूर्व की ओर और फिर 10 सेकंड में 100 मीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है तो उसका कुल विस्थापन कितना है? 400 मीटर पूर्व, 200 मीटर पूर्व, 300 मीटर पश्चिम, या 100 मीटर पूर्व? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 मीटर पूर्व, 200 मीटर्स ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने पार्ट टू हमारे SVA 50 प्लस सीरीज का कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट थ्री देखेंगे SVA 50 प्लस सीरीज का। ये क्वेश्चंस साइंस के स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर आपके एग्जाम, स्पेशली NCL HAMM के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे और इस बार भी इन पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। अगर आपको आइडिया रहता है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपका प्रैक्टिस है, तो आप इजीली 5 मार्क्स 5 नंबर तक आराम से पा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं
नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में। हमारी वीडियो पे की गई मेहनत के लिए वीडियो को अपना एक बेशकीमती लाइक जरूर दें। अपने फ्रेंड्स जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जिनकी आप केयर करते हैं उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करें। अपने क्वेरीज और सजेशंस हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले अगले प्रिपरेशन के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। और फ्रेंड्स कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।